क्या चल रहा था? न्यूक्लियोटाइड्स ना, तो न्यूक्लियोटाइड्स की बातें क्लियर हो गई थी, ध्यान में है ना कैसे बनाए थे स्ट्रक्चर। चलो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, न्यूक्लियोटाइड से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हुए बढ़ते हैं। देखिएगा, अगर हो ध्यान आपको, तब क्या हमने आपको बताया था? इधर ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। चलो अब देखो, हम लोग देखने वाले हैं चलो हम आज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स देखेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के देखने से पहले आप ध्यान में रखो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को जानने से पहले आप न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में हमने आपको बता दिया था, क्या ध्यान में है? देखिएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के संरचना हमने कैसे बनाए थे, कुछ इस प्रकार से संरचनाएं थी, क्या ध्यान में है? इस प्रकार से आपकी संरचनाएं थी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की, थी ना जी, कुछ इस प्रकार से हमने उसकी संरचनाएं बनाई थी। इधर देखिए, थोड़ा अच्छा करते हैं, काहे कि इसी को फिर आगे लेके जाना है। ओहो, यह रहने दो, ये संरचना है। देखिएगा, हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की संरचना में हमने आपको क्या बताए थे? हम बताए थे कि यहां पर जो होते हैं, क्या होते हैं जी, यहां पर क्या होता है? ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। ये कार्बन नंबर फर्स्ट है, कार्बन नंबर फर्स्ट पर क्या होता है? कार्बन नंबर फर्स्ट के ऊपर की ओर क्या होते हैं जी? ऊपर की ओर हमारे क्या होते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप। क्या रहते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप। नीचे में क्या रहते हैं? हाइड्रोजन। यहाँ पर नीचे में क्या रहता है? हाइड्रोक्सी ग्रुप। यहाँ पर भी नीचे में क्या रहता है? हाइड्रोक्सी ग्रुप। ऊपर में क्या रहते हैं? हाइड्रोजन। हो गया था बातें। उसके बाद इसके नीचे में क्या रहता है? हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या रहता है? CH2OH, यही ना रहता है? तो हम CH2OH को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? CH2 हो गया, CH2 और OH हो गया, OH, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? तो बताइएगा, यह संरचना किसका है? किसका संरचना है बोलिए जरा? पेंटोज का। किसका संरचना है? पेंटोज का। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, इसको हटा दिया, और हटा कर इसके जगह पर हमने क्या डाल दिया? हमने डाल दिया नाइट्रोजन बेस। क्या डाल दिए जी? नाइट्रोजन बेस हमने डाल दिया। क्या डाल दिए? नाइट्रोजन बेस। अब जब यहाँ नाइट्रोजन बेस डाल दिए, तो अब यह स्ट्रक्चर किसका हो गया? किसका? न्यूक्लियोसाइड का। किसका? न्यूक्लियोसाइड का। लेकिन जब इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर हमने क्या डाल दिया? फॉस्फेट ग्रुप। क्या डाल दिए? फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप जब आप डालिएगा कई नंबर कार्बन पर? पांच नंबर कार्बन पर डालिएगा। तो पांच नंबर कार्बन पर जब आप फॉस्फेट ग्रुप को चिपकाते हैं, तो यहां पर आपकी आपकी फॉस्फेट ग्रुप की संरचना कुछ इस प्रकार होती है।
होती है जी, यहाँ पर आपकी होती है OH, यहाँ भी क्या होता है OH, और ऊपर में डबल बॉन्ड के साथ क्या होता है O, ऐसी ना होता है। अब यह इसके साथ क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इसके साथ ये क्या हो रहे हैं जी, जुड़ रहे हैं। तो यहाँ जुड़ने में क्या होता है, जुड़ने वक्त क्या होते हैं, इसका स्थिरीकरण हो जाता है, क्या हो जाता है स्थिरीकरण, मतलब इसका क्या होगा स्थिरीकरण। और जब स्थिरीकरण होता है तो क्या बाहर हो जाएंगे, जल, तो H2O बाहर हो जाएगा, तो 2H और 2 ऑक्सीजन, और 2H 1 ऑक्सीजन बाहर हो गया, तो कितना बचाया भी इसमें, कितना बचा 1 ऑक्सीजन। मतलब अब हम कह सकते हैं इसके जगह पर हम डायरेक्ट एक ऑक्सीजन लिख सकते हैं, लिख दें एक ऑक्सीजन जी, चलो तो डायरेक्ट हम इसके जगह पर एक ऑक्सीजन को हम चिपका देते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम इसको उधर के ठेल देते हैं, ये चलो। अब हम यहाँ पर क्या डाल देते हैं, ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या डाल दिए ऑक्सीजन। तो यह ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कौन सा बॉन्ड जी, हमने बताया था कि यह ऑक्सीजन जो बॉन्ड बनाते हैं कौन बॉन्ड, कार्बन नंबर 5 से कौची जुड़ा, फॉस्फेट ग्रुप, तो बॉन्ड बनाया तो फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, कौन बॉन्ड, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। लेकिन कार्बन नंबर 1 से जो नाइट्रोजन बेस जुड़ते हैं उसको कौन बॉन्ड कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कौन बॉन्ड कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अब देखिए यह पूरा स्ट्रक्चर अब किसका बन के आ गया जी, किसका बन के आ गया, न्यूक्लियोटाइड्स का, किसका बन के आ गया, न्यूक्लियोटाइड्स का। और हमको पढ़ना है पॉली न्यूक्लियोटाइड्स, हमें क्या जानना है, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में जानना है। तो आइए हम पॉली न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में जान लेते हैं जरा, क्या है पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। देखिएगा पॉली न्यूक्लियोटाइड्स में आपको दिख रहे होंगे एक पॉली, दिख रहा है पॉली, पॉली दिख रहे हैं पॉली जी, पॉली, और है दूसरा क्या है न्यूक्लियोटाइड्स, और दूसरे क्या है न्यूक्लियोटाइड्स। पहला आपको इसके अंदर दिख रहा होगा पॉली, क्या दिख रहे हैं पॉली, और पॉली, और दूसरा हमारा जो दिख रहा है या दूसरा क्या है जी, न्यूक्लियोटाइड्स। पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, क्या होता है बहुत सारा, मतलब हम कह सकते हैं वेन जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, जब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स मतलब ऐसा ऐसा बहुत सारा रहेगा, यह ना कहे का मतलब हो रहा है, मतलब ऐसा ऐसा बहुत सारा, तो जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाते हैं तो क्या कहलाते हैं जी, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स, क्या कहलाएंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। तो जुड़ जाएंगे जैसे तैसे, कि रूल रेगुलेशन से जुड़ेगा ना जी, हर एक चीज का रूल रेगुलेशन होता है जुड़ने का, ऐसे थोड़ी करो रगड़ ले चलिएगा। तो अब यह कैसे जुड़ते हैं, यह जोड़ने के लिए सीखिएगा जरा, बस लैंग्वेज कुछ नहीं है, लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, थोड़ा हम जो बोल रहे हैं इसको ध्यान देना। अब हम इसको थोड़ा सा चिपका देते हैं, जरा छोटा कर देते हैं वरना अटेगा नहीं इतना बड़ा मटेरियल, ये लो ये ले लो ये लो, चलो हम कॉपी कर लिए, हो गया। अब ऐसा ऐसा बहुत सारा जुटेगा तो हम एगो फिर और ले लेते हैं, आप लोग भी लेते रहिएगा ऐसे। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये आपके जुड़ेंगे, ये आपके जुड़ेंगे, ये आपके जुड़ेंगे, चलो देखिएगा यहाँ पर होता क्या है। एक्चुअली देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या होता है, कि आपके पहले नंबर के पहला न्यूक्लियोटाइड्स है ना जी, पहले न्यूक्लियोटाइड्स के कार्बन नंबर 3 यही ना है, कार्बन नंबर 3 यही ना है, कार्बन नंबर 3 के हाइड्रोक्सी ग्रुप यही ना है, अरे है ना हाइड्रोक्सी ग्रुप है। पहला न्यूक्लियोटाइड्स के हमारा कार्बन नंबर 3 के हाइड्रोक्सी ग्रुप, कौन ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स के कार्बन नंबर 5 के फॉस्फेट ग्रुप के साथ क्या होते हैं, जुड़ते हैं, क्या होते हैं जी, जुड़ते हैं।
तो जुड़ने के बाद जब आप खुद बताइए जब यह जुड़ेगा फिर OH OH जुड़ेगा तो स्टीकरण होगा, स्टीकरण होगा तो क्या जल बाहर हो जाएंगे? अरे जल बाहर हो जाएंगे, तो जल बाहर हो जाएगा तो बचेगा क्या? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ना बचेगा मतलब अब हम कह सकते हैं इसे बाहर होने के बाद यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा। किसका बॉन्ड बनेगा जी? ऑक्सीजन का। थोड़ा सा एक हम आपको एक साफ के लिए हम एक चीज अच्छा से कर देते हैं, हालांकि यहाँ से भी हो सकता है लेकिन हमको इसको साफ सुथरा करना है, इसलिए क्या हम ये ओ जो तुम देख पा रहे हो या जो आप ओ देख पा रहे हो, रुको इसको पहले खत्म करते हैं, रुको थोड़ा सा अच्छे के लिए हम कर रहे हैं। इधर देखो, क्या ये जो ओ देख पा रहा है तुम, इसके ओ को हम नीचे की ओर नहीं लिख सकते हैं जी, रुको इसको पहले बड़ा कर देते हैं, जैसे था वैसे करते हैं, ऐसी ना था। चलो अब क्या इसके हम, ध्यान रखिएगा इधर कौन स्केच है, पिंक। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर क्या हम नीचे में ओ नहीं डाल सकते हैं? अरे नीचे में ओ डालें चाहे यहां डालें कोई दिक्कत है? चलो हम ओ को यहां डाल देते हैं, डबल बॉन्ड के साथ ओ क्या कर दिए, यहां डाल दिए, और यहां पर हम ओ एच नहीं डाल सकते हैं। अरे कैसे लिखे कोई दिक्कत है जी? यहां पर ओ एच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये भी तो फॉस्फेट ग्रुप है, क्लियर, ऐसे कर सकते हैं ना। अब यह हम संरचना को क्या करेंगे, अब ऐसे ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स को हम बहुत सारे जोड़ेंगे और पॉली न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करेंगे। तो देखिएगा पॉली न्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण किस प्रकार से हम करने जा रहे हैं। इस प्रकार से हम करेंगे, पहले इधर चिपका देते हैं इसको, ये लो। चलिए अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स हम डालेंगे, तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स डालेंगे, तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स डालेंगे हम, तो यहां पर हम डालेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब देखो अच्छे से सट गया, ये देखो। अब करेंगे क्या कि हम पहला न्यूक्लियोटाइड्स के, पहला न्यूक्लियोटाइड्स के कार्बन नंबर 3 के हाइड्रोक्सी ग्रुप, आपके दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के कार्बन नंबर 5 के कौन ग्रुप जी, फॉस्फेट ग्रुप के साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जब जोड़ेंगे तो यहां से कौची बाहर होगा जल, और बचेगा कौची, ऑक्सीजन। तो हम इसे हटाकर, हम अगर इसे हटाकर पूरे पूरे हटाकर अगर इसके जगह पर ऑक्सीजन लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? तो हम ऑक्सीजन यहाँ पर अब हम डाल देते हैं, इस प्रकार से हम ऑक्सीजन यहाँ डाल देते हैं। ये देखो ऑक्सीजन हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया ना, ऑक्सीजन, क्लियर। अब देखिएगा या दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, फिर क्या होता है, फिर दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के कई नंबर कार्बन से जुड़ेगा, कार्बन नंबर 3 से कैमा न्यूक्लियोटाइड्स अभी रहेगा, तीसरा न्यूक्लियोटाइड्स के कौन, कई कार्बन के कौन, फॉस्फेट ग्रुप, कार्बन नंबर 5 के फॉस्फेट ग्रुप के साथ फिर जुड़ेगा। तो चलिए फिर हम जोड़ते हैं और अगला न्यूक्लियोटाइड्स लाते हैं। अब फिर यह न्यूक्लियोटाइड्स जोड़िए, अब जब आप यहां पर फिर जोड़िएगा तो यही ना जुड़ेगा जी, यही ना जुड़ेगा। तो अब देखिए जब आप यहां पर जोड़ रहे हैं तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स यह है, तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के कार्बन नंबर 3 यही ना है, कार्बन नंबर 3 एजा रहता है जी, कार्बन नंबर 1 2 3 4 एजिन रहता है, आई हो गया 5। अब यह हो गया OH, और अगले न्यूक्लियोटाइड्स के, अगले न्यूक्लियोटाइड्स के कार्बन नंबर 5 यही ना है, या इसके फॉस्फेट ग्रुप के साथ जब ये जुड़ेगा तो क्या फिर यहां पर स्टीकरण हो जाएंगे? अरे होगा स्टीकरण, तो जब स्टीकरण होगा तो क्या फिर ये से ये खत्म हो जाएंगे, और खत्म होके बचेगा क्या जी, ऑक्सीजन, क्या बचेगा, ऑक्सीजन, बढ़िया तरीके से देखना। अब फिर यहाँ क्या बच गया जी, ऑक्सीजन, ये लो ऑक्सीजन बच गया, हो गया। अब यह न्यूक्लियोटाइड्स आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, जुड़ गए। आप जुड़ने में एक चीज देख रहे होंगे कि आपके पहला न्यूक्लियोटाइड्स के कार्बन नंबर 5 के फॉस्फेट ग्रुप फ्री है,
फ्री का मतलब समझता है ओकर ऊपर आगे को न्यूक्लियोटाइड्स है नहीं तो ई वाला फ्री है ना है जी OH है अगर अगर जुड़ जाता तो OH ही रहता नहीं क्या बन जाता ओ रहता मतलब पहले न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के पहला पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के पहले न्यूक्लियोटाइड्स के कार्बन नंबर 5 के फॉस्फेट ग्रुप क्या रहते हैं जी फ्री रहते हैं क्या रहते हैं फ्री रहते हैं क्या रहते हैं फ्री रहते हैं क्या रहेंगे फ्री और लास्ट न्यूक्लियोटाइड्स के कार्बन नंबर 3 के भी तो आपका आपका ये वाला फ्री है अरे फ्री है ना जी अरे जैसे कि नहीं रहता तो फ्री रहता मतलब तो इसको क्या कहते हैं ये जानिएगा चलिए अब हम देखते हैं ये साइड अब आते हैं चलिए देखिए इधर देखिएगा अब हम कह सकते हैं कि आपके पहला न्यूक्लियोटाइड्स के एन लिख सकते हैं ना पहला न्यूक्लियोटाइड्स के कार्बन नंबर क्या है जी कार्बन नंबर पाँच के कौन ग्रुप फ्री रहता है आपके फॉस्फेट ग्रुप क्या रहते हैं जी फ्री रहते हैं जिसे हम 5 डेज कहते हैं जिसे हम क्या कहेंगे बढ़िया से सुनो एकदम आसान तरीके से बता रहे हैं जिसे हम क्या कहेंगे 5 डेज कहेंगे फिर आपके लास्ट न्यूक्लियोटाइड्स के कार्बन नंबर 3 यही ना है कार्बन नंबर 3 के हाइड्रोक्सी ग्रुप फ्री है कि नहीं है तो लास्ट न्यूक्लियोटाइड्स के कई नंबर कार्बन जी कार्बन नंबर 3 के कौन ग्रुप फ्री है जी कार्बन नंबर कई कौन ग्रुप फ्री है आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है फ्री है इसीलिए इसे कहा जाता है 3 डेज क्या कहेंगे 3 डेज इसे जब आप पढ़ोगे तो इसे बोलना 3 डेज क्या बोलोगे 3 डेज बोलना 3 डेज या डैश बोलते हो 3 डेज बोला जाता है ठीक है हिंदी में देखो ऐसे बोला जाता है 3 डेज समझे बात को 3 डेज 5 डेज क्या होता है समझ में आ गया अब समझिएगा अब एक चीज को समझिए जरा हम बता रहे हैं अभी कुछ नहीं हुआ है अभी स्टार्ट हुआ है दंगल इधर देखिएगा जरा यह किसका संरचना बन गया पॉली न्यूक्लियोटाइड्स का क्या इसके अंदर 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियोटाइड्स है तो यह संरचना किसका बन गया पॉली न्यूक्लियोटाइड्स का बन गया पॉली न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना अब देखिएगा इस पॉली न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना में यही पॉली न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना जो होती है ना भाई साहब आपके DNA पर प्रेजेंट होती है कुछ इस प्रकार के देखिएगा हम बना रहे हैं इस प्रकार के DNA हुआ ना इसी पर ई प्रेजेंट होता है देखिएगा जब आप इस DNA को जूम करके देखते हो तो कुछ संरचना आपको इस प्रकार से दिखेगी जैसे कि हम आपको बता रहे हैं ये देखना इस प्रकार से संरचना दिखेगी चलिए हम तो डिजिटल तरीका हम तो भाई अपना काम दिखाएंगे अब ये हो गया अब इसको हम छोटा कर लेते हैं काहे कि इस पर बैठाना ना है चलो ये ले यही वाला ना है ई वाला ये मटेरियल बने जी अब यह एकरा पर क्या होता है ना भाई साहब जुड़ल रहता है ऐसे करके अब ले एरा कॉपी पेस्ट कर देते हैं अब यही क्या होता है जी एकरा पर इस प्रकार से क्या होते हैं इसी प्रकार से इस पर क्या होते हैं जुड़े होते हैं इस प्रकार इससे क्या होंगे जुड़े होते हैं इसी प्रकार से इस पर क्या होते हैं जुड़े होते हैं इसी प्रकार से आपका बनता है DNA इसी प्रकार से आपका क्या बनेगा DNA इसी प्रकार से आपके बनते हैं DNA समझे इस प्रकार से आपका DNA बन के तैयार है समझे ये देखो सब कौची है जना रहा है ना N है P है B है दिख रहा है ना जी इसी प्रकार से आपके देखो DNA बन रहा है चलो हम DNA में निरंतर काम कर रहे हैं DNA की संरचना बना ही कर छोड़ेंगे ये देखो समझ रहा है बात को ये तो गेंदा फूल बन गया रे चलो तो यह क्या हो गया यह बन गया DNA के एक हेलिक्स बना ना जी लेकिन अब जानने वाली बात क्या है
तुम ध्यान में रखना क्या कर रहा है लड़का, ए तुम क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तुम नीचे में, क्या बोल रहे थे हम क्या बोल रहे थे, बोलो खड़ा बोलो क्या बोल रहे थे। हाँ तो कैसे बनता है स्ट्रक्चर बताओ तो, हैं तो तुम क्या कर रहा था अभी नीचे में, अच्छा कर रहा था। अब 4-5 महीना बच्चा ले बढ़िया से पढ़ लो, 4 महीना अब कहाँ रहा है अब तो मतलब दुर्गा पूजा वाला जोड़ रहा है, 1 महीना तो छुट्टी मस्ती करेगा, बैठो। चलो तो अब एक चीज को ध्यान में रखना, जरा ध्यान दीजिएगा, क्या आपको पता होना चाहिए है? अरे अरे यार इसे क्या हो गया यार, ओह हैं जैसा कर रहा है रे। चलो अब देखिएगा जरा आप, अरे यार ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात है, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है यार। चलो शांत रहेगा, हल्ला गाला कर रहा है, ये सब दे रहा है लिखा का है नहीं रहा है, हटावे के मतलब हो गया कि फिर दिक्कत हो जाएगा हमारा। चल नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। अच्छा पहला पेज पर उड़ा है, चलो अब देखिएगा, ये पेज पर काम नहीं होगा अब लगता है। हाँ अरे लिखे में इतना मेहनत होता है, हटा देना। चलो यह समझ में आया ना जी, यह आपकी डीएनए की संरचना बन गई, तो आपको पता होना चाहिए कि डीएनए की संरचना जो होती है, डीएनए की संरचना जो होती है, डीएनए की संरचना में क्या एक हेलिक्स होते हैं, एक हेलिक्स होता है नहीं, कितना हेलिक्स होते हैं जी, दो हेलिक्स होता है, कितना हेलिक्स होता है, दो हेलिक्स होते हैं, मतलब ऐसा ऐसा दो बार होगा, अरे ऐसा ऐसा दो बार होगा ना, तो ये आपको संरचना समझ में आ गया क्लियर, क्या कोई दिक्कत, जैसा ई है वैसने एगो और बन जाएगा, तो वह क्या बन जाएगा आपका डीएनए बनता है, वो क्या बन जाते हैं, डीएनए बन जाते हैं। बातें समझ में आ गई, चलो अब धीरे धीरे काम नहीं कर रहा है, क्या किया जाए, चलो अगला पेज काम कर रहा है, तो अब इसको आप लिख लो, उसके बाद अगला पेज में पढ़ते हैं। लिखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, लिखिएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, हेडिंग मारिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, लिखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, लिखिएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, लिख लिए, चलिए लिखिए, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करते हैं, और यह लिख लीजिए खपदेवर स्ट्रक्चर,
ए का निर्माण हुआ है। ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर ही जब जुड़ा है तो क्या चीज का निर्माण हो गया है, डीएनए का। क्लियर। जैसे कि हम आपको एनालिसिस के जरिए हम बताते हैं कि देखो इसी प्रकार से होता है। देखना आपको कने रखे हम, ये देखो, जब आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, डीएनए 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 कने गया यार, डीएनए एनालिसिस। चलो देखना इसी प्रकार से स्ट्रक्चर रहेगा। ये देखो, यह आपकी डीएनए हो गई, यह आपकी डीएनए है। हम इसकी साउंड भी बढ़ा देते हैं, समझ में भी तुमको आवाज आएगा, इतना बुड़बक नहीं है, समझ में भी तुमको आना ही चाहिए। चलो तो साउंड भी बढ़ा देते हैं, सब आगे बताएंगे। This is the DNA double helix. चलो तो यह आप लिख लिए, स्ट्रक्चर लिखिएगा। लिखिएगा स्ट्रक्चर, चलिए हो गया। कैसे जुड़ रहा है पता आ गया ना, समझ में आ गया। चलिए ठीक।